की ऑल टाइम हाई हो जाएगा, मंदी करने वाले फंसेंगे। और देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज भी दिन के हाईएस्ट लेवल पर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। भजीन साहब स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो आपको एडवांस में निफ्टी के ऑल टाइम हाई की बधाई। बताइए अब तो दूर कहाँ रह गए, बिल्कुल करीब है, कैसे अप्रोच करेंगे आप, बीटीएसटी क्या करेंगे बताइए। गुड आफ्टरनून टू यू। गुड आफ्टरनून हेमंत जी, आपको भी, शैलेंद्र जी को भी, और बहुत बहुत मुबारक हो। दिसंबर है स्टार्टेड वेल, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। ट्राई एंड बी ऑल्सो लाइट ऑन द मार्केट, जो एंड मिड कैप्स में मुझे बहुत रंगत दिखती है, बट ऑल टाइम हाईज आर ऑल्सो मेंट टू प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट। सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर अकॉर्डिंग टू मी कैन बी वेरी वेरी वॉलेटाइल, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉलेटिलिटी बट प्रोटेक्ट योर प्रॉफिट, दैट्स द की। अब दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। आपको अपडेट दे दूँ सर, आपको मैंने फ्राइडे को 9.70 रुपए पे कहा था टीवी आइडिया, वो 10.50 बिक गया, और वो मैंने पहले भी आपको 2-3 बारी कहा था। आपको मैंने टीवीएस मोटर बहुत कन्विक्शन से कहा था विल बी द बेस्ट टू व्हीलर स्टॉक, और उसके रिजल्ट देखिए बहुत ही बढ़िया आए हैं। तो टू व्हीलर में टीवीएस हैज बीन आउट परफॉर्मर, 65 वाला 515 बिक गया। वोडाफोन आइडिया, इंडिया बुल, ग्रेसिम, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, ये सब मेरे आउट परफॉर्मर्स हैं। पीएफसी, आरईसी, नॉट टू फॉरगेट। अब आपके लिए मैं 3 नेम दे रहा हूँ, 2 बायस, 1 सेल और 1 कैश कॉल दे रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये भी डिस्क्लोजर दे रहा हूँ कि इसमें हमारी और क्लाइंट्स की पोजीशन है, बट जो मेरी अंडरलाइन थीम है वो बहुत बुलिश है इस शेयर पे। तो आप कहें तो मैं शुरू करूँ। इरशाद भसीन साहब शुरू कीजिए, +2 पहले। तो पहले होएगा सर टॉप बाय, वहां पे है विप्रो, अनक्वेश्चनेबली द डार्लिंग ऑफ द आईटी सेक्टर विल आउट परफॉर्म। 350-51 में लीजिए, 343 का स्टॉप लॉस, दिस इज हेडेड बैक टू 375। दूसरा बाय होएगा मेरा फेवरेट मुथूट, 1150 में लीजिए, 1128 का स्टॉप लॉस, 1175 टू 1185 का टारगेट। और सेल में होएगा टाइटन, 1342 से 45 में बेचिए, 1368 का स्टॉप लॉस, 1305 का टारगेट। अब आपको बता रहा हूं मैं शेयर जो मैंने रिसर्च करके मीटिंग भी की है, और वो है एनबीसीसी। देखिए एनबीसीसी ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जिस तरह से आपके अप्रूवल्स आ गए उनके पास, नरोजी नगर, कदवाई नगर और कंस्ट्रक्शन का पिकअप है, उन्होंने इंडिकेट किया कि जो उनकी 40,000 करोड़ की जो लागत वाले प्रोजेक्ट्स हैं, दे आर इन फुल स्ट्रीम, और एनबीसीसी को वहां 10% मार्जिन मिलता है रफली, प्लस उनकी जो प्रॉपर्टी है वहां, इफ दे हैव अ पर्सनल स्टेक इन प्रॉपर्टी, तो दिस ऑल्सो उन्होंने इंडिकेट किया दैट दे नीड अबाउट 70,000 लेबर, जिसमें से 60,000 इज ऑलरेडी देयर। तो अगर आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चले, आई थिंक एनबीसीसी कैन बी एन आउट परफॉर्मर। एज अ डिस्क्लोजर, वी हैव वेस्टेड इंटरेस्ट, आर क्लाइंट्स होल्ड इट फॉर अराउंड दैट 24-25 लेवल। वी आर लुकिंग फॉर अ टारगेट इनिशियली ऑफ 45 एंड देन इट कैन इवन गो मोर, सो वी विल टेक इट फ्रॉम देयर। सो दिस इज द डिस्क्लोजर सर, एंड दिस इज द स्टॉक विच वी आर रिकमेंडिंग। जी भसीन साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जिन लोगों ने बहुत पुराने समय में नरोजी नगर, किदवाई नगर और खासकर साउथ एक्स का पुराना जमाना देखा है, वहां की स्काईलाइन बिल्कुल एनबीसीसी ने बदल दी है पिछले 5-7 सालों में, और बहुत ही आपने यहाँ पर स्टॉक में पिटाई होती हुई देखी, और वो वापस स्प्रिंग अब ऊपर की तरफ खुलता हुआ, 28 रुपए का प्राइस। हेमंत जी, पूरे का पूरा पीएसयू बास्केट जो दिल्ली से ताल्लुक रखता है, वहां पर आपको गहरा हरा निशान आता हुआ देखिएगा, 2 दिन से हटको चल रहा है, उस पर नजर डाल लेते हैं। बहुत ही शानदार मूवमेंट आपको बीएचईएल में भी आता हुआ दिख रहा है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं पूरे के पूरे पीएसयू बास्केट में जो दिल्ली से संबंध रखते हैं, वहां पर आपको बेहतरीन तेजी फिलहाल स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, बात है, तो देखिए ये स्टॉक मूव